रामगढ़ताल स्थित नौकायन केंद्र के पास निर्माणाधीन वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है। वाटर स्पोर्ट्स के हब के रूप में गोरखपुर का विकास हो सकेगा। कार्य पूरा होने के बाद जल्द ही लोग वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लुफ्त उठा सकेंगे। इसी के साथ शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के वाटर स्पोर्ट्स के आयोजनों की राह खुलेगी। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पार्क प्लेयर डॉर्मेट्री फर्स्ट एड सेंटर स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर ट्रेनिंग सेंटर वाटर डेक चेंजिंग रूम रोविंग स्कीइंग पैराग्लाइडिंग वाटर स्कूटर सी स्कूटर कैफेटेरिया 4-20 सीटर बोट बनाना बोट स्पीड बोट फ्लोटिंग जेट्टी कांच की चार दीवारी वाला फ्लोटिंग रेस्तरा कैफेटेरिया वेटिंग रूम की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनने वाले सभी प्रोजेक्ट NGT के मानक के अनुरूप होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रामगढ़ ताल के किनारे में बनके तैयार हो चुकी है। वैसे मार्च तक उसका जो सिविल कंस्ट्रक्शन काम है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसको बेहतर चलाने के लिए इंडियन वाटर स्पोर्ट्स का एक एजेंसी होता है गोवा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, उन्हीं से हम लोग सहयोग लिए थे। उसे कैसे बेहतर संचालन करा सकते हैं, उन लोगों का टीम इसी महीने तक आने वाले हैं और उसका कैसे चलाना है उसका PPP मॉडल में चलाने के लिए तैयारी चल रहा है। वैसे जो टूरिज्म का निगम है उन्हीं के माध्यम से संचालन कराया जाएगा। उस पर 3 एजेंसी अपने इच्छा जाहिर किए थे, उन लोग छत्तीसगढ़ में झारखंड में बाकी अन्य राज्य में भी काम कर रहे थे। उन लोग आकर के देख भी चुके हैं, पूरा उन लोग ले करके रखवाली भी करेंगे, फिर यहाँ तमाम कोर्सेस चलेगी। खासतौर पर जो यहाँ का लोकल जो लोग जनता है, खासतौर पर यहाँ जो मछुआ समुदाय लोग हैं और जो पानी से संबंधित पहले से ही परंपरागत तौर से जो है करते आ रहे हैं, उन्हीं लोग का हम रिक्रूट करेंगे। उनका जो वाटर संबंधित स्पोर्ट्स में कितने एक्टिविटीज़ है, उसमें रोइंग है स्नॉकलिंग है तमाम एक्टिविटीज़ होता है, ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसी का तैयारी का यहाँ से करेंगे। उसके अलावा जो वाटर का एक PAC का अलग बटालियन होता है और तमाम भर्तियाँ भी उस पर होती हैं, उसी के भी हम लोग बच्चे का तैयारी करेंगे। केवल पढ़ाई के अलावा बाकी भी चीज़ जनता का आकर्षण करने के लिए, जो जनता का बोटिंग का सुविधा बढ़ाने के लिए और सारे चीज़ यहाँ से संचालन होगी जी। इसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन तो अभी तो मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, सारे संचालन हम लोग 15-30 के बीच में संचालन करेंगे पूरे तौर से, वो भी जनता के उपलब्ध के रूप से मिलेगा।